वेलकम टू जीके कैफ़े। देखिए, आप सभी को आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी। मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया था कि कैलेंडर आ गया है आपका एसएससी का 2023 के लिए भी। जो जो मेन मेन चीज़ें थी उसके अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन लेंगे, कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी और दो तीन चीज़ें इसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि देखिए, आपको पहले भी नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया था एसएससी ने कि इस जो ईयर आने वाला है आपका 2023, उसमें वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आपकी 2023 में कौन कौन से आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, राइट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैकेंसीज इस बार ज़्यादा रहेंगी। आप सभी जानते हैं इसके बाद इलेक्शन आ रहे हैं, इसके कारण ये देखने को मिलेगा कि जो आपके कंपैरिजन जैसे लास्ट रहती थी कुछ वैकेंसीज, उनके कंपैरिजन आपकी ज़्यादा रहेगी। इसमें हम देखेंगे, देखिए जो सबसे पहला है आपका एमटीएस का, ये तो अभी सभी जान रहे हैं एग्जामिनेशन चल रहा है जुलाई में। ये बाकी तो आपकी जो अक्टूबर वगैरह दे रखे हैं यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इस बार, जैसे आपका ये याद रखिएगा, जिनका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जामिनेशन है उनको भी क्लियर रखना है कि उनके अक्टूबर में आ रहे हैं सारे टाइप के, तो ये याद रखिएगा। ये ज़रूरी है जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या ड्राइवर के लिए फॉर्म भरा होगा, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन फाइनल है, यहीं पर होंगे, क्लियर। बाकी आपकी सीपीओ वगैरह की वैकेंसीज आएगी जो हमेशा से आती है, जेई वगैरह की एसएससी में, जूनियर इंजीनियर की, ये भी इसमें आपकी वैकेंसीज आएंगी। मेन हमारा जो कंसर्न है इसमें, एक दो नई वैकेंसी जो आपकी दिख रही है, एक तो ये है आपकी कौन सी, जो आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस की है इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार इसकी वैकेंसीज ज़्यादा रहेगी और आपकी एग्जामिनेशन डेट भी मेंशन कर रखे हैं कि आपका कब इसके एक तरीके से इनवाइट किया जाएगा एप्लीकेशन के लिए और एग्जामिनेशन डेट कब होंगी। तो जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि लग जाए क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। एक पहली चीज़ ये हो गई क्लियर, राइट। फिर आपका सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन है इसके भी आपके टीयर वन के स्टार्टिंग हो जाएगी, आपकी जो एप्लीकेशन इस दिन निकलेंगी और एग्जामिनेशन डेट आपकी ये हो जाएगी। तो मेरा मानना है सीएचएसएल में आप थोड़ा अच्छे से अभी से प्रिपरेशन में लग जाए तो बेनिफिट होगा। इसके बाद हम बात कर ले, देखिए जैसे आपका जीडी का है एसएससी जीडी, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है और चांसेस भी इस बार की ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिले इसमें। और इसके भी आपको सारी चीज़ दिख रही है, इनवाइट कब किया जाएगा एप्लीकेशंस के लिए और एग्जामिनेशन डेट आपके मार्च अप्रैल में कंडक्ट की जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपका एमटीएस का एग्जामिनेशन है दोबारा से आएगा, ये आपका नॉन टेक्निकल, ये आपका देखिए एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर मेंशन कर रखे। और एक चीज़ और बता दूँ, कई लोग इसको लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि कंडक्ट कौन कराएगा, राइट, या सीईटी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं, जब तक मेंशन नहीं किया जाता। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ प्रोसेस में मुझे लगता नहीं है कि ये ज़्यादा आराम से हो जाएगा काम, सीईटी में थोड़ा आगे डिले होगा। और नहीं भी होता फिर भी हम प्रिपेयर हैं क्योंकि हमको एग्जामिनेशन से पहले ही बता दिया जाएगा, तो इस पर ना रहे कि हम एक तरीके से पूरी तरीके से बैठे रहे जब तक सीईटी नहीं आ रहा। क्या पता सीईटी के अंदर इसको एक तरीके से कंडक्ट कराया जाए, तो वो कोई मायने नहीं रखने वाली बात है नहीं, राइट। तो आपको ये समझना है कि हमको अभी से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी आपके सीजीएल वगैरह की वैकेंसीज भी आएंगी, यहाँ पे आपका दे रखा है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। देखिए सबसे ज़रूरी है जो आपके फिर एक और कांस्टेबल के आएगा दिल्ली पुलिस में, इसके लिए भी आपको जो अप्रैल मई में आपके एग्जामिनेशन होंगे, तो ये सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे आप फिज़िकली अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं सीपीओ के अकॉर्डिंग, सीपीओ के अलावा बात करूँ तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आने वाली जो ये कैलेंडर है ये आपको ये क्लियर करता है कि वैकेंसीज इस बार ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि आपको पहले मेंशन कर दिया गया। और आप सभी को पता ही है 2024 में आपके इलेक्शंस हैं, तो वहाँ पर आपको वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो एक अपॉर्चुनिटी है 2023 में कि जितनी जल्दी हो सके उसमें सिलेक्शन की ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए नहीं, बाकी आपको पीडीएफ देखनी है तो टेलीग्राम में देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए, थैंक यू।